शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों की वजह से जो गाज गिरी थी वो अभी तक कहीं ना कहीं उससे उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग में शिवसेना मामले की सुनवाई चल रही है। इस बीच जो बचे कुछ समर्थक और नेता हैं उनको लेकर भी अटकलें तेज हो गई कि ये भी शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, उद्धव गुट के 10 से 15 नेता शिंदे गुट में शामिल होने वाले, इस बात की जानकारी सामने आई है। इस बात की जोरदार चर्चा है कि उद्धव गुट के एक सांसद, 2 विधायक और पूर्व कॉरपोरेटर ठीक दशहरे के वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की तैयारी में है। जो 10 से 15 शिवसेना नेता शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं उनमें 8 लोक प्रतिनिधि हैं और बीएमसी समेत आगामी चुनावों से ठीक पहले अगर ऐसा हुआ तो ये ठाकरे गुट के लिए एक सबसे बड़ा झटका होगा। इस बीच कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम के भी कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की खबर जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि सीनियर कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट सांगली दौरे पर जा रहे हैं। वे कदम से मिलकर उन्हें मनाने को कोशिश करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की नाराजगी खबरें काफी समय से मीडिया में आ रही है। गणेश उत्सव के दौरान बीजेपी समन्वयक आशीष कुलकर्णी के घर उनकी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात भी काफी चर्चा में रही थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस बात का खंडन किया कि वे पार्टी छोड़ने वाले हैं। बता दें कि मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली किए जाने को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में रस्सी खींच शुरू है। हर साल शिवसेना की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होती है। यह 40 साल पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार पेच यह है कि ये तय नहीं है कि असली शिवसेना किसकी है। ठाकरे और शिंदे गुट दोनों का ही ये दावा है कि उनका गुट असली शिवसेना है। ऐसे विवाद इस बात को लेकर है कि शिवाजी पार्क में रैली कौन करेगा, शिवसेना पर दावा किसका सही, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू है। कोर्ट का फैसला तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली करने में सफल हो जाएगा जनता की नजर में वही असली शिवसेना समझा जाएगा। ऐसे में शिंदे गुट दशहरा के वक्त ठाकरे गुट और एक जोड़ कहीं ना कहीं एक और जोरदार झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वे कौन से 10 से 15 शिवसेना के नेता हैं जो ठाकरे कैंप से निकलकर शिंदे कैंप में जाने वाले हैं। इस खबर का सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये एक और बड़ी मुसीबत के तौर पर हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।